शंकुमनु और शत्रुपा की स्टोरी डिस्कस कर रहे थे, जहाँ से हम दक्ष प्रजापति के यज्ञ तक पहुंचे थे। उनके पुत्रियों के बारे में अब तक वर्णन हो रहा था, और अभी पुत्र जो है उनके उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है। दो पुत्र थे उनके, क्या नाम था? प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत और उत्तानपाद में से उत्तानपाद के आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। उत्तानपाद के यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा जी के कुछ पुत्रों ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, जैसे चतुष्कुमार, नारद मुनि, विभु, हंस, अरुणी तथा यति। इतने सारे ब्रह्मा जी के पुत्र थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन में आने से इनकार कर दिया, और उन्होंने बोला हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही रहेंगे। जिसकी वजह से हमने थोड़ी डिस्कस की थी, ब्रह्मा जी को क्रोध आया था और ब्रह्मा जी के प्रति से रुद्र की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी से ही अधर्म का जन्म हुआ, और उसने अपनी ही बहन मृषा झूठ से विवाह किया। उन दोनों से दंभ, पाखंड और माया छल का जन्म हुआ। उन्होंने इन दोनों को निसंतान निरिति नामक असुर को गोद दे दिया। दंभ और माया से लोभ एवं धूर्तता का जन्म हुआ, और इन दोनों से क्रोध तथा हिंसा का जन्म हुआ। क्रोध और हिंसा द्वारा कली और उसकी बहन कठोर वचन का जन्म हुआ। कली और दुरुति ने मृत्यु और भय को जन्म दिया। इन दोनों के संग से यातना और निरय का जन्म हुआ। इन सब संतानों को प्रलय का कारण माना जाता है। तो ब्रह्मा जी से अधर्म का जन्म हुआ, और अधर्म से बाकी सारे ये जनरेशन बने, जो कि प्रलय का अल्टीमेट कारण बने। तो ब्रह्मा जी से ही धर्म का भी जन्म होता है, ब्रह्मा जी से ही अधर्म का भी जन्म होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ही सारी उत्पत्ति में हर प्रकार के जीवों के उत्पत्ति के कारण है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है नीति से चलने वाली, शास्त्रों के आधार पर चलने वाली, गुड इन नेचर, गुड एट हार्ट। और सुरुचि का मतलब होता है, सुरुचि का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से चलने वाली, अपनी इच्छा से चलने वाली। सुख का मतलब बहुत ज्यादा, और रुचि का मतलब इंटरेस्ट। जिसमें कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले उसे बोलते हैं सुरुचि। तो उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, महाराज उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि। सुनीति सो कॉल्ड इन कंपैरिजन टू सुरुचि फिजिकल एट्रीब्यूट्स में या देखने में इतनी सुंदर नहीं थी, परंतु नेचर में और हार्ट में बहुत सुंदर थी। वहां विवेकशील, बहुत समझदार, घर गृहस्थी को संभालने वाली, बहुत इंटेलिजेंट, अपनी ड्यूटीज को ठीक प्रकार से भली भांति निभाने वाली युवती थी सुनीति। और जो सुरुचि थी, चाबी लेने आए या क्लास करने आए? और जो सुरुचि थी, सुरुचि फिजिकल एट्रीब्यूट्स में तो सुंदर थी, देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन इंटेलिजेंस में या आचरण में उतनी विवेकशील नहीं थी जितनी सुरुचि थी। परंतु क्योंकि सुरुचि देखने में ज्यादा सुंदर थी, इसलिए महाराज उत्तानपाद का अट्रैक्शन हमेशा उसमें बना रहता था सुरुचि में। महाराज उत्तानपाद उसमें अत्यधिक रुचि लेते थे, इसलिए उसका नाम सुरुचि पड़ गया। और सुनीति क्योंकि फिजिकल एट्रीब्यूट्स में इतनी सुंदर नहीं थी, तो उसकी तरफ थी वो भी पत्नी महाराज उत्तानपाद की, लेकिन उसमें इंटरेस्ट कम होता गया और सुरुचि में इंटरेस्ट बढ़ता गया। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम, और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव महाराज, जिनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सुनीति और सुरुचि दोनों महाराज के साथ ही रहते थे, और जैसे मैंने बताया उत्तानपाद महाराज कम इंटरेस्ट लेते थे सुनीति में और ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे सुरुचि में। तो वो बायसनेस उनके बच्चों तक भी ट्रांसफर हो गई थी। तो जो सुरुचि के बच्चा था उत्तम, उसमें महाराज ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे और ध्रुव में कम इंटरेस्ट लेते थे। तो आगे भागवतम क्या बता रही है वो पढ़ेंगे। हाँ, इससे पहले हमें एक चीज समझ लेना चाहिए यहाँ पर।
जो मैसेज है भागवतम का कि महाराज उत्तान पात ने भेदभाव किया अपनी दोनों ही पत्नियों में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स, शारीरिक सुंदरता के कारण वो सुरुचि में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, वेयरएज हृदय से या आचरण में सुनीति ज्यादा अच्छी थी। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे? तो हमें अपने जीवन में ये देखना है कि अगर कोई फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है या फिजिकली बहुत सुंदर है या फिजिकली बहुत हैंडसम है, केवल उस क्वालिटी के बस बेस पे जज नहीं करना चाहिए कि हमें इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेना है या इसमें ज्यादा इसके साथ ज्यादा रहना है या इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। उसके हृदय कितना पवित्र है या उसके हृदय कितना अच्छा है, इसको देखकर उसके बेसिस पे ये निर्णय लेना चाहिए कि हमें उसके पक्ष में रहना है या उसके साथ समय बिताना है या उसके फेवर में रहना है। केवल फिजिकल एट्रीब्यूट से हमें ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि हम किसके फेवर में जाने वाले हैं, किसके लिए अपना समय अपना हृदय देने वाले हैं। यूजुअली आजकल अगर हम देखें तो नई जनरेशन सिर्फ फेस या बॉडी स्ट्रक्चर देख के डिसाइड करते हैं अपना लाइफ पार्टनर। तो पहली क्वालिफिकेशन ये है कि दिखता कैसा है या दिखती कैसी है, बात की बात है कि नेचर कैसा है, फैमिली कैसी है या आदतें कैसी हैं या विश्वास कैसा है, परंतु सबसे पहले फिजिकल एट्रीब्यूट है, जो कि शास्त्रों में बताया गया कि ये ठीक मापदंड नहीं है किसी को मापने के लिए, क्योंकि शरीर की संरचना या शक्ल हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारा कैसा आचरण है, हमारा कैसा विवेक है, हम कैसा बिहेव करते हैं लोगों के साथ, हमारा कैसा हार्ट है, हम दूसरों के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, ये सब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सीख के अच्छा किया जा सकता है, लेकिन शक्ल जैसी है वो वैसी ही रहेगी, उसको ज्यादा चेंज नहीं किया जा सकता। तो भगवान ने जैसी दी है अपने पास कर्मों के हिसाब से उसी के साथ चलना पड़ेगा। तो केवल शक्ल देखकर किसी की क्वालिटी या डिसक्वालिटी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन महाराज उत्तानपाद यहाँ पर ये गलती कर रहे हैं कि वो सुरुचि में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सुनीति की बजाय, जबकि सुनीति मोस्ट क्वालिफाइड है। उसकी वजह से आगे क्या होता है वो पढ़ते हैं। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर उसे पुचकार सहला रहे थे और यह देखकर सुनीति का पुत्र ध्रुव भी अपने पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगा। तो यूजुअली ऐसे ही होता है, दो छोटे बच्चे अगर खेल रहे होते हैं तो जो एक बच्चा करता है वही दूसरे बच्चे को करना होता है। तो उत्तम क्योंकि अपने पापा से बहुत ज्यादा फ्रेंडली था, क्योंकि महाराज उत्तानपाद उसमें इंटरेस्ट दिखाते थे, तो वो आराम से चढ़ के उनकी गोदी में बैठने लगा। और उसको गोदी में बैठना देखकर ध्रुव का भी मन किया कि मैं भी अपने पिता की गोदी में जाके बैठूं, क्योंकि ध्रुव की दृष्टि से उसके पिता में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उत्तानपाद की दृष्टि से दोनों में अंतर है। एक सुरुचि का बेटा है और एक सुनीति का बेटा, एक उसकी फेवरेट पत्नी का बेटा है और एक उसकी फेवरेट पत्नी का बेटा नहीं है। जब ध्रुव ने महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठने का प्रयास किया तो उसी समय उसकी सौतेली माँ सुरुचि वहां पहुंच गई और सुरुचि ने बहुत ही कड़वे वचन ध्रुव को बोल दिए। क्या बोला? परंतु राजा ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। यद्यपि राजा अपने दोनों ही पुत्रों से प्रेम करते थे, सुरुचि की उपस्थिति में वे उसकी प्रसन्नता के अनुरूप व्यवहार करना चाहते थे। तो यहाँ पर लिखा है महाराज बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं करते थे क्योंकि दोनों बच्चे महाराज के थे, लेकिन क्योंकि सुरुचि वहां पर उस समय उपस्थित थी इसलिए उन्होंने उत्तम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ठीक समझा, जिससे कि वो सुरुचि को प्रसन्न कर सके। जिस लेडी से वो अधिक प्यार करते हैं उसको प्रसन्न करने के लिए उसके बेटे को ज्यादा पुचकारने लगे, ध्रुव पर इतना ध्यान नहीं दिया। सुरुचि इसे समझ गई और उनका मन पहले से ही ध्रुव के प्रति द्वेष से भरा हुआ था और उसने अपने पति के इस पक्षपाती व्यवहार का उपयुक्त अनुपयुक्त लाभ उठाया। तो सुरुचि ने देख लिया कि पति मुझे खुश करना चाहते हैं मेरे पुत्र को अपनी गोद में बैठाकर, तो उसका फायदा उठाकर सुरुचि ने इतनी हिम्मत कर ली कि ध्रुव को कड़वे वचन सुना दिए। अदरवाइज अगर इस समय उत्तानपाद अपनी आसक्ति से बाहर निकलकर सुरुचि को रोक पाते तो शायद ये सारा पासे होता ही नहीं, परंतु वो सुरुचि को नहीं रोक पाए क्योंकि अत्यधिक आसक्त थे सुरुचि की ब्यूटी से।
तो शास्त्र में ऐसा बताया जाता है कि जब व्यक्ति काम के प्रति आसक्त हो जाता है तो उसकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है, वो सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। इसलिए काम वासना ऑन द बेसिस ऑफ बॉडीली ब्यूटी जो होती है उसको अपने ऊपर कभी हावी नहीं होना देना चाहिए। जनरल पब्लिक तो ये बात नहीं समझती ना जानती है, लेकिन एक डिवोटी को ये बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि अपने वैष्णव जीवन में, अपने भक्ति जीवन में कभी भी काम वासना को, चाहे वो अपनी पत्नी अपने बच्चों के प्रति ही क्यों ना हो, उसको बहुत काबू करके रखना चाहिए। और ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि देखने में ऐसा लगता है, काम वासना ऐसा प्रतीत होती है कि अगर इसको सेटिस्फाई कर लिया जाएगा तो फिर ये हमें परेशान नहीं करेगी, परंतु जितना आप काम वासना को सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे वो उतना ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। काम वासना को सेटिस्फाई करने का मतलब है उसमें और फ्यूल डालना। तो अगर कहीं आग चल रही है और अगर आप उसमें और फ्यूल डालोगे तो वो अग्नि बढ़ने ही वाली है। हो सकता है टेम्परेरी लगे कि ये अग्नि बुझ गई है मेरे फ्यूल डालने की वजह से, लेकिन वो फ्यूल जब जलना शुरू होगा तो वो अग्नि और ज्यादा भड़केगी और अनकंट्रोलेबल तरीके से बढ़ती है। इसी प्रकार से काम वासना होती है। तो आचार्यगण बताते हैं कि काम वासना को इग्नोर करने से ही काम वासना से बचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई इतना बड़ा पंडित हो गया, कोई इतना बड़ा अपने इंद्रियों पे काबू करने वाला व्यक्ति हो गया भक्ति जीवन में आने के बाद कि काम वासना से परेशान नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता। कितना भी ब्रह्मचर्य का पालन करने का अभ्यास करे व्यक्ति, लेकिन उसको काम वासना परेशान करती करती, और स्पेशली कलयुग का तो एनवायरमेंट ऐसा है, इतना खराब हो चुका है एनवायरमेंट पे एनवायरमेंट, चाहे मोबाइल में देखो, चाहे टीवी में देखो, चाहे बिलबोर्ड्स पे देखो, कहीं भी आप देखोगे तो सिर्फ ऐसे ही चित्र और ऐसे ही वातावरण आपको मिलेगा जो उत्तेजित करने वाला है किसी ना किसी प्रकार से, चाहे वो गर्ल की साइड से हो या बॉय की साइड से हो। तो ऐसे वातावरण में अपने आप को कंट्रोल करके रखना, अपने आप को बचा के रखना, इसमें हेल्प करता है ज्ञान। अगर हमें शास्त्रों का ज्ञान है, अगर हमें शास्त्रों की नॉलेज है कि किस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना है, किस प्रकार से हमें कंट्रोल्ड लाइफ जीनी है, तो हम इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज तो ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसा बताया जाता है। ऐसा भी बताया गया कि इस काम की प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए सोसाइटी में एक शादी का इंस्टीट्यूशन बनाया गया, कि क्योंकि व्यक्ति काम को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो इधर उधर जाके उल्टे सीधे रिलेशनशिप बनाएगा, इससे बेटर है कि आप शादी कर लो, लड़की कोई सूटेबल लड़का देख ले और लड़का कोई सूटेबल लड़की देख ले और दोनों शादी करके एक परिवार में रहें, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, और जो कंट्रोल्ड काम की इच्छा है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते वो भी आपस में एक दूसरे से पूरी की जा सके बाहर का वातावरण गंदा करने की बजाय। तो इसलिए भी शादी का इंस्टीट्यूशन बनाया गया। और आज का सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड उस इंस्टीट्यूशन में भी खुश नहीं रहना चाहता, उस इंस्टीट्यूशन से भी बाहर निकलना चाहता है। सो कॉल्ड मैरिज से भी लोग सेटिस्फाइड और खुश नहीं है, क्यों? क्योंकि वातावरण इतना गंदा है कि उनकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे मैं अग्नि का एग्जाम्पल दे रहा था, तो वो अग्नि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो वो एक पत्नी के साथ सेटिस्फाइड नहीं है या पत्नी एक पति के साथ सेटिस्फाइड नहीं है। और एनवायरनमेंट भी इतना ओपन है सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस के नाम पे कि कहीं ऑफिस में कोई फ्रेंड है, कहीं स्कूल में कहीं फ्रेंड है, कहीं कॉलेज में कोई फ्रेंड है, कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या प्री मैरिटल अफेयर है ही है सबका। हमारे बच्चे पढ़ते हैं 9th-10th क्लास में, वो बताते हैं कि 8th क्लास ऑनवर्ड हर लड़के की गर्लफ्रेंड है और हर लड़के का बॉयफ्रेंड है। कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जिसका बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है स्कूल में। तो अब ये स्थिति तो ऐसी हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में कैसे काम के ऊपर हश पाया जाएगा, कैसे काम को कंट्रोल किया जाएगा? अगर हमें शास्त्र पढ़े होंगे हमने और हमें पता होगा कि काम से पीड़ित होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, कैसे मनुष्य की बुद्धि खराब हो जाती है काम वासना की वजह से, तो हम इसको कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं, अदरवाइज तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है।
तो उसी के लिए यहाँ पर पास टाइम बताया गया कि सुरुचि में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि वो देख नहीं पाया कि कैसा सुरुचि व्यवहार कर रही है मेरे ही पुत्र के साथ, ध्रुव के साथ, और ध्रुव को इतना भला बुरा कह रही है। क्या बोला सुरुचि ने कि ये जो प्रिविलेज तू लेना चाहता है अपने पिता की गोद में बैठने का, ये प्रिविलेज तुझे नहीं मिल सकता जबकि तू उत्तानपाद का ही बेटा है। क्या बोला सुरुचि ने कि जो प्रिविलेज आप अपने पिता की गोद में बैठने का लेना चाहते हो वो प्रिविलेज आपको नहीं मिल सकता, हो आप उत्तानपाद के बेटे ही लेकिन आपको ये प्रिविलेज नहीं मिलेगा क्योंकि आपने मेरी गोद से जन्म नहीं लिया। तो सुरुचि वाज सो कॉन्फिडेंट दैट राजा उत्तानपाद विल नॉट से एनीथिंग टू मी क्योंकि वो मेरे से इतना ज्यादा मोहित है, मैं जो बोलूंगी वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। जो मैं चाहती हूं वो वही करेगा। एक बार अकबर और बीरबल की आप सबने स्टोरियां सुनी होंगी, तो एक बार अकबर ने अपने जो सभा होती है उसमें बैठे थे और कुछ एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा था, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा था और अकबर जो है किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तो बीरबल ने बोला महाराज आप खुद समझदार हैं, आप खुद ही निर्णय ले लीजिए, ज्यादा आपको डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, जितना डिस्कशन करेंगे उतना ज्यादा आइडियाज मिलेंगे और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, आप में खुद ही सेंस है, आप इतने दिन से राज्य कर रहे हैं, आपकी गतिविधि के हिसाब से आप निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, हमें पूछ के ही करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, पूछ लेना अच्छा रहता है। तो कुछ इस तरह से बात आई कि हर व्यक्ति जो है वो पूछ कर ही निर्णय लेता है, तो हमें भी उनसे पूछ के निर्णय लेना चाहिए। तो बीरबल ने ऐसी मजाक में बोलते हैं कि महाराज आपको लगता है कि ये सब पूछ के निर्णय लेते हैं लेकिन ये सब सिर्फ अपनी बीवी के कहने में चलते हैं, जो इनकी बीवी कहती है ये वही करते हैं, उसके अलावा ये कुछ नहीं करते। तो बीरबल को थोड़ा ठीक नहीं लगा कि ये सब कोई मंत्री है, कोई महामंत्री है, सब बड़ी बड़ी पोजिशन वाले व्यक्ति है और ये बीरबल कह रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी पत्नी के कहने में चलते हैं और किसी की बात नहीं सुनते, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो बोले नहीं महाराज आपको नहीं पता है, मैं तो सबको जानता हूँ, सब अपनी देवी के कहने में चलते हैं, जैसा भी पत्नी कहेगी वैसा ही सब मानते हैं। बोले अच्छा तो मैं ऐसे कैसे मानूं, आप प्रूफ करो। बोले ठीक है महाराज मैं प्रूफ कर दूंगा। तो बीरबल गए और उन्होंने वहां माइक पे अनाउंस किया कि जितने लोग अपनी बीवी से पूछे बिना सारे कार्य करते हैं वो राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। तो कोई भी राइट हैंड साइड पे गया नहीं, सबने एक्सेप्ट करा। तो बीरबल अकबर को विश्वास नहीं हुआ कि सारे के सारे लोग इस बात पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो सब अपनी बीवी के कहने में चलते हैं। बोले तुम्हारा प्रश्न समझ नहीं पाए, ठीक प्रकार से पूछो जिससे कि उनको समझ में आए। बोले तुम हटो मैं पूछता हूँ। तो अकबर खुद गए, उन्होंने अनाउंस किया कि जो लोग सिर्फ अपनी बीवी के कहने में चलते हैं वो सब राइट हैंड साइड पे आ जाओ, 99% लोग राइट हैंड साइड पे आ गए। अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सारे लोगों में सारे के सारे लोग अपने पत्नी के कहने में चलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति वहां रह गया जो इस बात को सुनकर भी कि अपनी दीदी के कहने में चलते हैं वो राइट हैंड साइड पे आ जाओ, वो नहीं आया, वहीं रहा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अकबर ने कहा भाई देखो इतने सारे तो आदमी ऐसे ही थे जो बीरबल कह रहा था वो सच निकला, सारे के सारे अपने पत्नी के कहने में चलते हैं लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो अपनी पत्नी के कहने में नहीं चलता, लेट मी टॉक टू हिम, उससे पूछता हूँ कि वो ऐसा कैसे कर पाता और ये सारे क्यों नहीं कर पाते। तो उसके पास गए अकबर और बोले कि भाई देखो तुमने बड़ा हिम्मत का काम किया पब्लिकली, एक तो करना और फिर पब्लिकली उसे एक्सेप्ट करना कि मैं पत्नी के कहने में नहीं चलता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो तुम कैसे कर लेते हो ऐसे, तुमने कैसे किया कि तुम मेरे कहने के बावजूद भी इधर नहीं आए, क्या तुम अपनी पत्नी के कहने में नहीं चलते। बोले देखो जी मुझे ये सब तो पता नहीं, मेरी पत्नी ने कहा था जहां भीड़ जाए वहां मत जाना, तो इसलिए मैं यहीं खड़ा हूं। तो इस बात को सुनकर जो है वो अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और अकबर समझ गए कि 100% लोग ऐसे हैं शादीशुदा एटलीस्ट जो अपनी पत्नी के कहने में ही चलते हैं। तो यहां पर
सुरुचि को ये विश्वास था कि मैं कुछ भी कहूंगी तो उत्तान पात जो है वो मेरे को डिफेंड नहीं करेंगे या मेरे को कुछ उल्टा नहीं बोलेंगे। और ध्रुव को भी ये बोल रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि तुम्हें अगर अपना अधिकार चाहिए तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। सुनीति को कोख से जन्म लिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी पत्नी है महाराज की उतनी ही जितनी मैं पत्नी हूँ, तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि महाराज मेरे माया जाल में फंसे हुए हैं, तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा अगर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते हो। यह सुनकर ध्रुव महाराज काफी दुखी हो गए और रोने लगे। छोटा बच्चा 5 साल का और क्या करेगा, अगर उसको पिता की गोद में बैठने से रोक दिया जाए और कड़वे वचन सुनाए जाए, उसको बोला जाए क्योंकि तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया इसलिए तुम्हें अपना अधिकार प्राप्त नहीं होगा, आखिर सुरुचि स्त्रियोचित दुर्बलता से मुक्त नहीं थी, अभिमानवश में इस प्रकार बोलने लगी जिससे पिता और पुत्र दोनों उसे सुन सके। हे पुत्र ध्रुव, तुम इस राज सिंहासन अथवा अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो, हालांकि तुम भी राजा के ही पुत्र हो परंतु तुमने मेरे पेट से जन्म नहीं लिया है, पिता की गोद में बैठने के लिए यही तुम्हारी अयोग्यता है। अयोग्यता क्या है, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। शायद तुम अपने पिता की दो रानियों के बीच भेदभाव से अनजान हो, परंतु मैं तुम्हें बता दूं कि पिता की गोद प्राप्त करने के तुम्हारे प्रयास अंततः विफल रहेंगे और यदि तुम सिंहासन पर बैठने के लिए इतने इच्छुक हो तो तुम्हें पहले तपस्या द्वारा भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, उनकी कृपा से कदाचित तुम्हारा अगला जन्म मेरे गर्भ से हो जाए। तो उन्होंने बोला कि जाओ भगवान की प्रार्थना करो कि भगवान तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दे कि तुम मेरी कोख से अगले जन्म में प्रकट हो, पैदा हो, तब तुम्हें यह अधिकार प्राप्त होगा कि तुम अपने पिता की गोद में बैठ पाओ या उनके उत्तराधिकारी बनकर सिंहासन पर बैठ पाओ। जिस प्रकार छड़ी द्वारा प्रहार किए जाने पर सांप क्रोधवश गहरी सांसें लेने लगता है, अपनी विमाता के कठोर वचनों से मर्माहत ध्रुव गहरी सांसें भरने लगा। उसका क्रोध अपनी सीमाएं पार कर गया। उसे यह देखकर और अधिक दुख हुआ कि उसके पिता चुपचाप बैठे पूरा दृश्य देख रहे हैं। एक तो अन्याय हो रहा है और पिता कुछ नहीं बोल रहे उसके ऊपर। और अपनी पत्नी के क्रूर शब्दों का जरा भी विरोध नहीं किया। तेज कदमों से महल से बाहर निकलकर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंच गया। तो बच्चा रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंच गया। क्रोध से उसके हावट कांप रहे थे। जब सुनीति ने बिलख कर रोते हुए अपने पुत्र को देखा तो तुरंत उसे पुचकारते हुए गोद में उठा लिया। जिन दासियों ने सुरुचि के क्रूर शब्दों को प्रत्यक्ष सुना था उन्होंने सुनीति के पास आकर सारा हाल कह सुनाया। सुनीति का मन दुख की पीड़ा से स्तंभ हो उठा। उसके लिए वह अपमान असहनीय था और वह मानो जंगल की अग्नि में फंसे पशु के समान जलने लगी। वह रहकर अपनी सौर के शब्दों पर विचार करते हुए सुनीति का कमल जैसा सुंदर मुख निस्तेज हो गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। तो सुनीति खुद भी दुखी थी इस भेदभाव के कारण महाराज के, लेकिन जब वो भेदभाव बच्चे के जीवन पर असर करने लगा तो वो और भी ज्यादा दुखी हो गई और कष्ट से रोने लगी। उसकी श्वास गति तेज हो गई और एक क्षण ठहर कर वह विचार करने लगी कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। कोई उपाय ना देखकर अंततः उसने कहा, ध्रुव तुम दूसरों के अहित की कामना मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है वह स्वयं कष्ट उत्पन्न करके अपना अहित करता है। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी सुनीति कितनी अच्छी बात बोल रही है। अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है किसी की वजह से तो इमीडिएटली हम उसके बारे में भला बुरा सोचने लग जाते हैं, लेकिन सुनीति यहां पर क्या कह रही है कि तुम किसी के अहित के विषय में मत सोचो, क्योंकि जब हम किसी और के अहित के विषय में सोचते हैं तो एक्चुअली में हम अपना ही अहित कर बैठते हैं। तो यदि हम किसी के ऊपर क्रोध कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला आपके क्रोध का, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ जाएगा, आपकी चेतना जरूर खराब हो जाएगी। तो दूसरे का अहित करने से पहले आप अपना अहित कर लेते हो। तो इसलिए किसी भी सिचुएशन में कोई कितना भी बुरा कर रहा है लेकिन उसका बुरा करने के लिए हमें सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि पता भी नहीं आप उसका अहित कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर उसके भाग्य में ऐसा नहीं लिखा कि आप उसका अहित कर पाओगे तो आप कितना भी सोच लो, कितना भी प्लान बना लो, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे।
और अगर उसके भाग्य में अहित कुछ होना लिखा ही है तो आप कुछ करो या मत करो तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ और बुरा हो जाएगा उसके साथ, अगर लिखा है उसके साथ अहित होना, तो आपको उसका कारण बनना आवश्यक नहीं है। तो स्पेशली ये टीचिंग भक्तों के लिए है कि भक्तों का जीवन ऐसे ही होना चाहिए, या तो कोई उनके साथ गलत कार्य करेगा नहीं, लेकिन क्योंकि भौतिक जीवन में हमारा बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, अगर कोई अहित कर भी देता है हमारे साथ तो हमें उसके अहित के विषय में नहीं सोचना चाहिए। और देखो अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, अब हम भक्ति जीवन में, अब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो कल्प वृक्ष की तरह होता है, तो अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करो किसी के बारे में गलत सोच लिया तो आप भगवान उसको बड़ा सीरियसली ले लेंगे, तो बेचारे की चाहे उतनी गलती ना भी हो लेकिन आपने क्योंकि उसके बारे में गलत सोच लिया तो आप उसका अहित पक्का है, क्योंकि अब आप एक वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हो, भगवान के प्रिय, भगवान के परिवार का सदस्य बनने का प्रयास कर रहे हो, तो भगवान उसका स्पेशली ख्याल रखते हैं। तो हमें भक्ति जीवन प्रैक्टिस करते करते तो कभी भी किसी के अहित की कामना नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली तो कभी किसी डिवोटी के अहित की कामना नहीं करनी चाहिए, चाहे हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आई हो और किसी भी वजह से क्यों ना आई हो। तो ये ध्रुव महाराज को सिखा रही सुनीति यहाँ पर इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, सुरुचि ने ऐसा बोल दिया तो तुम सुरुचि के या उसके पुत्र के अहित के विषय में मत सोचो। बेटा तुम्हारी माँ सुरुचि ने जो भी कहा है वह सही है, तुम्हारे पिता तो मुझे अपने महल की एक दासी भी नहीं समझते, फिर पत्नी मानना तो बहुत दूर की बात है, अपना दुख शेयर कर रहे अपने बेटे के साथ कि तुम्हारे पिता तो मुझे एक दासी भी नहीं मानते, उन्हें इस बात पर लज्जा आती है कि उन्होंने मुझसे विवाह किया, इसलिए यह सत्य है कि तुम्हारा जन्म एक अभागी स्त्री के गर्भ से हुआ है, हालांकि तुम्हारी सौतेली माँ के वचन कठोर हैं परंतु सत्य हैं, इसलिए यदि तुम्हारे मन में अपने पिता के सिंहासन पर बैठने की थोड़ी सी भी इच्छा है तो तुम्हें अपने द्वेष को त्याग कर तुरंत उसके उपदेशों का पालन करना चाहिए, तो उनसे नफरत करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगर तुम्हें अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो तुम्हें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, दूसरे का हित करके कभी भी हम अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर सकते, लेकिन अपने टारगेट को अचीव करके हम प्रसन्न हो सकते हैं, दूसरे का अहित करके खुश होना ये राक्षसी प्रवृत्ति है, अपने अचीवमेंट से खुश होना ये दैवी प्रकृति है, भगवान आसुरी प्रकृति और दैवी प्रकृति समझाते हैं भगवद गीता के लास्ट के चैप्टर्स में, आई थिंक 14 चैप्टर है दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति, तो उसमें यही डिफरेंस है कि हम दूसरे का हित, राक्षस लोग औरों को परेशान करके ऋषि मुनियों के यज्ञ को भंग करके देवताओं को परेशान करके प्रसन्न होते हैं जबकि उन्हें उससे कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन देवता अपने लिए कुछ सिद्धि प्राप्त करके अपने लिए कुछ अनुष्ठान करके उससे प्रसन्न होते हैं, दूसरों को अननेसेसरी भी परेशान नहीं करते, तो भक्तों को भी ऐसे ही होना चाहिए, हमें औरों की परेशानी से खुशी ड्रॉ करने की बजाय अपने अचीवमेंट से खुशी ड्रॉ करनी चाहिए कि मैंने आज 16 की जगह 18 माला किया, मैंने आज अच्छे से फास्टिंग किया, मैंने आज अच्छे से शास्त्र पढ़ा है, मैंने आज भागवतम पढ़ी है, मैंने आज भगवद गीता पढ़ी है, किसी दूसरे का बुरा करके हमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए, वो हमारी चेतना को आसुरी बना देगा, हमें चेतना को दैवी बना के रखना है जिससे कि हम उसको भगवान की सेवा में लगा सकें। बिना समय गवाए तुम्हें भगवान नारायण के चरण कमलों का भजन आरंभ करो, उन्हीं की कृपा से हमारे प्रति प्रपिता महा ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर पाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे दादाजी स्वयंभू मनु ने भी भगवान की आराधना करके ही समस्त भौतिक सुख एवं परम मुक्ति प्राप्त की थी। अब ध्रुव को बता रहे कि अगर तुम्हें कुछ भी अचीव करना है तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, बिना भगवान की शरण ग्रहण किए तुम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो जो सुरुचि ने बाकी तो सब कड़वा कड़वा बोला लेकिन एक काम की बात बोली कि तुम्हें भगवान नारायण के पास जाना पड़ेगा और उनसे ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मतलब तुम मेरी कोख से जन्म ले लो तब तुम्हें ये अधिकार प्राप्त होगा, तो उसी को प्रमोट कर रही है सुनीति कि उन्होंने उनकी बाकी बातों को तो छोड़ दो तुम, लेकिन जो एक अच्छी बात बोली कि भगवान नारायण की शरण में जाओ ये सारे फल दे सकती है, तुम्हारे परदादा ने भी ऐसे किया था, तुम्हारे दादाजी ने भी ऐसे किया था, तो उनकी कृपा से ही वो सब कुछ कर पाए, तुम भी जो करना चाहते हो वो उनकी कृपा से ही कर पाओगे, इसलिए भगवान नारायण की शरण में चले जाओ। बिना समय गवाए तुम नारायण के चरण कमलों का भजन आरंभ करो, ये तो हमने पढ़ लिया। हे पुत्र, भक्तों के प्रति भगवान का हृदय
दया से भरा होता है, इसलिए तुम उन्हें ही अपने हृदय में धारण करो और एकाग्र चित्त से उनकी भक्ति में संलग्न हो जाओ। तुम्हारी व्यथा को दूर करने के लिए मुझे भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दिखाई नहीं देता। वैसे भी हमारी परेशानियों को कोई और आश्रय है नहीं, तो जितना जल्दी हम ये रियलाइज कर लें कि हमारी परेशानियां सिर्फ भगवान ही दूर कर सकते हैं, और भगवान का आश्रय लेने से ही, भगवान के को सरेंडर करने से ही हमारे जीवन की परेशानियां दूर होंगी, उतनी जल्दी हम सुखी हो जाएंगे। यही बात सुरुचि समझाना चाह रही ध्रुव को कि कोई और सहारा तो है नहीं जो तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकता है, तो भगवान का सहारा ले लो, भगवान का आश्रय लेते ही तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो हम सोचते हैं हम पैसा कमा लेंगे बहुत सारा, या पावर पोजीशन ले लेंगे, प्रमोशन ले लेंगे, बहुत अच्छी जॉब कर लेंगे, तो हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नहीं, हमारी परेशानियां दूर सिर्फ भगवान की शरणागति से हो सकती है और किसी से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भगवान की शरणागति हमारी एक्सपेक्टेशन को खत्म कर देगी। जब आपने अपने आप को भगवान को दे दिया तो आप भगवान जो करें ठीक, तो आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो उसको पूरा करने के लिए कोई एफर्ट नहीं है, तो आपको किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन ना पूरी होने का कोई दुख नहीं होगा। दुख तो शरीर का नहीं होता, दुख तो मन का होता है। शरीर के दुख तो टेम्परेरली होते हैं, थोड़े दिन आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मन का दुख बड़े लंबे समय तक दुखी करता है। और मन का दुख इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते। लेकिन जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो उन आकांक्षाओं को, उन इच्छाओं को समाप्त करने में हेल्प मिलती है, तो मन सुखी हो जाता है। मन सुखी रहता है तो तन सुखी रहता है। तन तो वैसे भी टेम्परेरी है, थोड़े दिन बाद चला ही जाना है, तो तन के विषय में बहुत अधिक नहीं सोचना चाहिए। हाँ, इतना सोचना चाहिए कि मैं इसको ठीक ठाक रखूं, जिससे कि इस तन को भी मैं भगवान की सेवा में लगा सकूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, मन के स्तर पे आ गए, अब तन की तो कोई टेक केयर नहीं करनी है, तन को कुछ भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, तन की भी टेक केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको भी भगवान की सेवा में लगाना है। और मन की तो केयर करनी है, मन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए ही मन को 2 घंटे रोज सुबह प्रैक्टिस करानी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जिससे कि मन स्वस्थ रहे। जितना ज्यादा मन ये प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा मन स्वस्थ रहेगा, मन में कोई भी किसी भी प्रकार का विकार नहीं आएगा। तो सुनीति के शब्दों पर ध्यान पूर्वक मनन करके ध्रुव ने तुरंत घर त्याग दिया और वन की ओर निकल पड़ा। जब नारद मुनि को ध्रुव के कार्य तथा उसकी दृढ़ता का समाचार मिला तो वे विस्मित रह गए और वन में बालक से मिलने का निश्चय किया। तब सुनीति की बातों को गंभीरता से लिया, सुना और वन में जाकर भगवान नारायण को प्राप्त करने का निश्चय किया ध्रुव महाराज। और जैसे ही ध्रुव महाराज ने निश्चय किया कि अब मैं वन में जाकर तपस्या करूंगा और नारायण को प्राप्त करूंगा, उनको प्रसन्न करूंगा, तो नारद मुनि ने सोचा कि ऐसा बच्चा कैसे, इतने स्ट्रॉन्ग डिजायर वाला बच्चा जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति से मैं जरूर मिलना चाहता हूँ, उसके दर्शन करना चाहता हूँ, उससे भेंट करना चाहता हूँ। तो इससे क्या समझ में आता है हमें? जब हम अपने जीवन में दृढ़ता से, जब हम अपने जीवन में दृढ़ता से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक प्रमाणिक गुरु हमारे जीवन में अपने आप प्रवेश करता है। हमें किसी प्रमाणिक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसे ही ये निश्चय हम करेंगे, वैसे ही हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रमाणिक गुरु को भगवान भेजेंगे अवश्य। भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये होती है कि वो किसी प्रमाणिक गुरु को हमारे जीवन में भेजें, क्योंकि भगवान तो स्वयं प्रकट नहीं होने वाले। ध्रुव महाराज के समक्ष तो भगवान अभी स्वयं ही प्रकट होने वाले, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हमने इतने अच्छे कार्य नहीं किए अभी तक कि भगवान स्वयं प्रकट हो जाए, ना हम जाके महावन में तपस्या कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में सबसे अच्छा भगवान अगर कुछ कर सकते हैं तो वो यही कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी जैसे प्रमाणिक गुरु को हमारे जीवन में भेज दें, उनकी शिक्षाओं को हमारे जीवन में भेज दें। हम वो ऑलरेडी भगवान कर चुके हैं, फिर भी अगर हम उसका फायदा उठाकर अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा पाए, सही रास्ते पर नहीं चला पाए, सही शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाए, तो वो प्रमाणिक गुरु के होने का हम फायदा नहीं उठा पाएंगे। दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी गिवन एंड वी लॉस्ट इट। भगवान ने एक सबसे अच्छे प्रैक्टिकल प्रमाणिक गुरु का हमारे जीवन में भेजा, फिर भी हम अपने आप को सुधार नहीं पाए।
इतने सारे शास्त्र हमें दिए लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए, इतने सारे लेक्चर्स हमने सुने लेकिन उनको हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाए, तो फिर भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान के दिए हुए टूल्स को, अपॉर्चुनिटीज को यूज करके अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर हम कहीं गहरे कुएं में गिरे हुए हैं और हम पड़े हैं, कोई आएगा हमें निकालेगा, कोई आएगा हमें निकालेगा, कोई आएगा हमें निकालेगा, तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं निकालेगा, हमें चिल्लाना पड़ेगा जोर जोर से, आवाज लगानी पड़ेगी किसी को, बाहर निकलने का प्रयास करना पड़ेगा, बार 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 प्रयास करना पड़ेगा, तो कहीं से हमें रास्ता दिखेगा कि हाँ ये ईंट थोड़ी बाहर निकली हुई, यहाँ पे मैं पैर रख के थोड़ा ऊपर चल सकता हूँ, इसको पकड़ सकता हूँ, इसको होल्ड कर सकता हूँ, कुछ प्रयास करूंगा, चिल्लाऊंगा तो वहां से कोई गुजरता हुआ मुसाफिर मेरी आवाज सुन लेगा। अगर मैं कुएं में सो जाऊँ रास्ते, नहीं ठीक तो है, कोई बात नहीं, अब गिर गया, अब यहीं रहना है, क्या हो गया, अब जो भी है करना तो है ही, इसी को झेलना पड़ेगा, और प्रयास ना करूं बाहर निकलने का, तो कभी बाहर कोई मुझे हेल्प करने नहीं आने वाला है, ना भगवान सुनने वाले हैं, ना कोई प्रमाणिक गुरु सुनने वाला है। तो जब मैं चिल्लाऊंगा बार बार, उसके लिए हैंकर करूंगा, प्रयास करूंगा, तब भगवान मेरे हेल्प के लिए किसी ना किसी को भेजेंगे, किसी प्रमाणिक गुरु को भेजेंगे जो अपना हाथ डालकर या रस्सी डालकर मुझे अंधेरे कुएं से बाहर निकालेगा। तो कलयुग के जीवों के साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारे अंदर हैंकरिंग ही नहीं है, हम अपनी प्रॉब्लम भरे इस भौतिक जीवन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। जहाँ है ठीक तो चल रहा है प्रगति, दुकान भी ठीक चल रही है, नौकरी भी ठीक चल रही है, परिवार भी ठीक चल रहा है, क्यों बाहर निकलना है? हम कहीं प्रॉब्लम में है, हम यही रियलाइज नहीं कर पाते, इसलिए हमारे अंदर हैंकरिंग नहीं है, और हैंकरिंग नहीं है इसलिए प्रमाणिक गुरु आसानी से आते नहीं, और आ भी जाते हैं तो उनके उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में एज इट इज पालन नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते। कभी ऐसा होगा कि कोई कुएं में, अंधेरे कुएं में पड़ा व्यक्ति है और किसी ने रस्सी डाली और बोला पकड़, और वो पकड़े नहीं, होता है ऐसा कभी? अगर समझदार व्यक्ति होगा तो रस्सी आती है, फौरन रस्सी पकड़ेगा कि मुझे बाहर निकलना है, बाहर निकालो। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है, अरे प्रभु जी एकादशी पास करना चाहिए, अरे प्रभु जी क्यों एकादशी पास करना, इसका लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक तो समझाओ, क्यों करना है एकादशी पास, क्यों करनी है 16 माला, लिख दिया प्रभुपाद जी ने 16 माला करो, आप बस 16 माला करनी है, क्यों, एक से भी तो काम चल सकता है, 16 क्यों करनी है, टाइम नहीं मिलता, ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, हम 100 एक्सप्लेनेशन देने को तैयार है, लेकिन वो रस्सी जो गुरु परंपरा द्वारा दी गई जा रही है या प्रमाणिक गुरुओं के द्वारा दी जा रही है उसको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए सारे लॉजिक लगाएंगे, जितनी मटेरियल एजुकेशन अभी तक प्राप्त करी उस सारे लॉजिक को लगा देंगे डिफाई करने के लिए कि वो इंस्ट्रक्शन को नहीं पकड़ना, उस रस्सी को नहीं पकड़ना जो हमें बाहर निकाल सकते हैं इस कुएं से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हम कुएं में पड़े, क्यों रियलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आ रहा हमारे जीवन में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, हम हटे लोगों से अगर मैं इंडिविजुअली पूछूंगा कि जीवन में कभी कोई दुख आया है या नहीं आया, सब हाँ बोलेंगे, क्योंकि सबके जीवन में दुख आता है, लेकिन दुख आने के बावजूद भी हम ये रियलाइज नहीं करते कि हम दुख के घर में हैं और हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, वो दुख हमें नॉर्मल लगने लगता है थोड़े दिन, अरे ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो होगा ही, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं होना चाहिए, हम दुख भोगने के लिए नहीं है, जीव भगवान का अंश है, हमेशा आनंद में रहना चाहिए, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं है और ना हम इस चीज को रियलाइज करते हैं, इसलिए बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, इसलिए उस रस्सी को टाइटली पकड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए सारी इंस्ट्रक्शंस को हमें रोज शास्त्र पढ़ने चाहिए, रोज साइंस से माला करनी चाहिए, रोज मंगल आरती करनी चाहिए, हर हफ्ते अपनी क्लास में टाइम पे आना चाहिए, ये सारी इंस्ट्रक्शंस को हम इतनी सिंसियरली फॉलो नहीं कर पाते। रिश्तेदार की शादी बीच में आ जाती है, कोई फंक्शन बीच में आ जाता है, कोई और इम्पोर्टेंट कार्य बीच में आ जाता है, कभी कुछ और माया खेल दिखाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें एंगेज कर देगी कि हमें भक्तों के संग में ना डाला जाए, क्योंकि भक्तों के संग में डाला जाएगा तो फिर से हैमरिंग होगी, फिर से समझाया जाएगा, अब समझ में आ, मोबाइल चार्ज हो गया एक बार तो चलेगा ना 2-4 दिन, तो एक बार क्लास में आ गए तो इतना सुन लेंगे कि 2-4 दिन तो एंथुसियाज्म बना रहेगा, नहीं मुझे शास्त्र भी पढ़ना है, नहीं मुझे मंगल आरती भी करनी है, अब 15 दिन मत जाओ, किसी भी भक्त से मत मिलो, किसी भी भक्त से बात मत करो, किसी क्लास को अटेंड मत करो, कोई शास्त्र मत पढ़ो, कोई क्लास मत सुनो, फिर देखो क्या सुबह उठने का मन कर रहा है, क्या मंगल आरती करने का मन कर रहा है, क्या टाइम से माला करने का मन कर रहा है, इमीडिएट इफेक्ट दिखेगा, इमीडिएट
कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने चाहे 2 साल प्रैक्टिस करी हो चाहे 10 साल प्रैक्टिस करी हो, अपने आपको आजमा के देख लीजिए, पता चल जाएगा हम कितने पानी में। 15 दिन किसी से मत मिलिए, कुछ मत पढ़िए, कुछ मत करिए, देखो माया कहाँ ले जाएगी। तो हम ऐसे अंधेरे कुएं में फंसे हुए हैं जहां से निकलने की आवश्यकता है, और हमें निकालने के लिए सिर्फ प्रभुपाद जी जैसे गुरु की इंस्ट्रक्शन, उनके द्वारा दिए गए शास्त्र और उनके शिक्षाओं पर चलने वाले भक्तों का संग ही हमें इससे बाहर निकाल सकता है, नहीं तो कोई और रास्ता नहीं है। जैसे सुनीति ने बोल दिया ना कि भगवान की शरण ग्रहण करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, यहाँ पर भी प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन करने के अलावा, भक्तों का संग करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। जितना सिंसियरली हम इसको ले लेंगे, जितना जल्दी हम इसको समझ जाएंगे, उतना जल्दी हम जीवन में प्रसन्नता की ओर आगे बढ़ जाएंगे। और अगर नहीं समझ पाएंगे तो ये स्ट्रगल पूरी लाइफ चलता रहने वाला है। 2 क्लासेस में आ गए, 2 क्लासेस में बोल हो गए, 2 दिन शास्त्र पढ़ लिए, 5 दिन नहीं पढ़े, 2 बार माला सुबह हो गई 2 दिन, और बाकी के दिन माला पूरे दिन चल रही है, रात तक माला चल रही है। जब तक ये चलता रहेगा तब तक हम भक्ति में ऐसे ही रहेंगे, डावाडोल, कभी बहुत अच्छे कभी बहुत कम, पर हमेशा ये स्ट्रगल चलता रहेगा, कभी भी सेटिस्फाइड आनंद फील नहीं कर पाएंगे डिवोशनल लाइफ का। और आप ये मेरे कहने से 20 दिन करके देख लो अपने जीवन में, रोज सुबह 4:30 बजे उठ जाओ, रोज सुबह मंगल आरती करो, रोज सुबह सुबह 7:30 बजे से पहले अपनी 16 माला खत्म कर लो, शास्त्र अध्ययन कर लो सिर्फ आधा घंटा कोई अच्छा लेक्चर सुन लो, तो फिर देखो आपकी डिवोशनल लाइफ, आपकी चार्जिंग, आपकी एनर्जी कितनी रहती है। मुझे तो संजय प्रभु कई बार ये रियलाइज करते हैं, प्रभु सुबह सुबह माला हो जाती है तो पूरा दिन बड़ा अच्छा जाता है, कोई टेंशन नहीं होती, नहीं तो ऑफिस में भी लगता रहे अभी माला पड़ी है, माला पड़ी, अपने जीवन एनर्जाइज हो जाता है अगर हमारी साथ में सुबह सुबह हो गई है तो। लेकिन जब हम उसको लटकाएंगे किसी और चीज को प्रायोरिटी देंगे तो फिर वो चली जाती है कहीं और। अच्छा चार रहेगी कोई बात नहीं, कल कर लूंगा, एक बार फोन करके रहते हैं प्रभु जी चार करके ना 20-25 मालाएं इकट्ठी हो गई है, कैसे कही जाएंगी ये मालाएं, कैसे पूरी होंगी। हमें पता है कि वो माला पूरी नहीं हो सकती कल, इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इकट्ठी मत करो उन मालाओं को, उसी दिन पूरी कर लो, अगले दिन पे ले जाओगे तो वो कभी वो दिन नहीं आएगा कि जब वो माला पूरी होगी, अगले दिन भी तो 16 करनी है, तो फिर अगले दिन की पूरी करने का ही समय निकालना बड़ा मुश्किल कार्य है। तो इसलिए उसको छोड़ना, उसको टालने से हमारे एटीट्यूड में आ जाता है वो, तो फिर हम हर चीज को टालने लग जाएंगे, कोई सेवा मिलेगी तो उसको भी टालेंगे, कोई कार्य मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, उसको भी टालेंगे। देखो मैंने यहाँ पे होमवर्क दिया था एक बार ही, बहुत सारे भक्तों ने सीरियसली नहीं लिया, कोई बात नहीं प्रभु जी ने बोला है क्वेश्चन लिख के देने के लिए, आप क्या आप बच्चों की तरह क्वेश्चन लिखते रहे आंसर लिखते रहे, वो क्वेश्चन आंसर दिया गया लिखने के लिए जिससे कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो। अब आप लोगों में से कितने भक्तों ने ऐसा फील किया कि वो आंसर को लिखने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ा, कुछ सोच पढ़ना पड़ा, उसको फॉर्मलाइज करना पड़ा, उस आंसर को लिखने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ा, लगा किसी को या नहीं लगा? लगा तो उससे हमें कुछ समझ में आया या नहीं आया? देखो हम यहाँ पे भगवत गीता क्लास हर हफ्ते सुनते हैं, इतना अच्छा समझ में नहीं आता जितना अच्छा हमने वो क्वेश्चन का आंसर लिख के उसको समझ लिया था। तो मुझे 2-3 भक्तों ने फोन करके बोला प्रभु जी हर वीक ये होमवर्क दिया करो आप, जिससे कि हम इस बहाने से पढ़ेंगे तो सही, लेकिन आधे लोग तो करते ही नहीं होमवर्क, तो फिर करने का क्या फायदा? फिर मेरी चेतना खराब होती है, मैं उन भक्तों के बारे में खराब सोचने लगूंगी जो होमवर्क नहीं कर रहे, कि अरे तो सुन ही नहीं रहे, कैसे समझाऊं इनको, ये तो कहने के बाद भी होमवर्क पूरा नहीं कर रहे। तो मैंने कहा छोड़ो मैं होमवर्क दे ही नहीं रहा हूँ, इससे कि ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो ना मैं होमवर्क दूंगा ना मेरी एक्सपेक्टेशन बनेगी कि मेरा होमवर्क पूरा नहीं कर रहा है कोई, तो मैं उसके बारे में कोई उल्टा ना सोचूं। ठीक है सब अपने हिसाब से भक्ति कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी स्पीड है। हमें समझाया गया कि जब कोई नहाने जाता है तो कोई 2 मिनट में नहाता है, कोई 10 मिनट में नहाता है, कोई 1 घंटे में नहाता है, सबकी अपनी स्पीड है। तो हमें जो हमारे गुरु महाराज ने, जो हमारी अथॉरिटीज ने सेवा दे रखी है कि सबको अपॉर्चुनिटी देना भक्ति में आगे बढ़ने का, अब आगे बढ़ने के लिए तो सबकी अपनी स्पीड है। तो हो सकता है सब सिद्धिनाथ प्रभु की तरह या विनु माता जी की तरह या और अच्छे भक्तों की तरह आगे नहीं बढ़ सकते, सचिन प्रभु की तरह आगे नहीं बढ़ सकते, जैसे बढ़ना चाहे बढ़े लेकिन आगे बढ़े। मैं कई बार बता चुका हूँ अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो इसका मतलब हम पीछे जा रहे हैं, इसलिए ये इंश्योर करना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा ही बढ़े, चींटे की चाल से बढ़े चाहे चींटे की चाल से बढ़े, लेकिन बढ़े आगे, नहीं बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम है, हम पीछे जाने लगेंगे और हमें खुद भी पता नहीं चलेगा कि हम पीछे कब चलेंगे।
खुद ही रियलाइज करेंगे कि हम तो 16 माला करते थे, अब तो 8 भी नहीं हो पा रही। पहले तो रोज सुबह उठ जाया करते थे, मंगल आरती करते थे, अब तो इतने दिन से मंगल आरती नहीं हो रही। खुद थोड़े दिन बाद रियलाइजेशन आएगा, लेकिन तब तक हम माया के ट्रैप में जा चुके होंगे और उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खुद ही रियलाइज करते वक्त कि मैं 4:30 बजे उठ रहा था, आजकल तो 5:30 बजे उठ रहा हूँ, क्या हो गया, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ सुबह। क्यों नहीं उठ पा रहा? क्योंकि अब शरीर को हैबिचुअल कर दिया हमने 5:30 बजे उठने का, तो अब 4:30 बजे उठने का मन नहीं करता। 4:30 बजे अलार्म बोलता है, लेकिन ये सोच के बंद कर देते हैं, अरे अभी उठ रहा हूँ बस 5 मिनट में, और 5 मिनट बाद सीधे 5:30 दिखाई देते हैं घड़ी में। होता है कभी ऐसा? नहीं होता है। तो माया हमें वो कार्य करने नहीं देगी, क्योंकि हमने उसको एक बार अलाउ कर दिया, तो उसको अलाउ ही नहीं करना है, तब हमारा जीवन स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो स्मूथ चलने वाली है। इसलिए शुरू के स्टार्टिंग के जो 2-4-5 साल होते हैं हमारे, वो थोड़े स्ट्रगलिंग होते हैं, उसमें हमारा जो मोरल है, जो एंथुसियाज्म है, वो बहुत हाई होना चाहिए, तब हम इन चीजों को डिफीट करके स्टेबल हो सकते हैं भक्ति में। और एक बार स्टेबल हो गए, एक बार इंटरेस्ट बन गया, एक बार हम अपने रूटीन में सेट हो गए, तो फिर आसानी से हिलेंगे नहीं, अंटिल अनलेस हम कुछ कंटामिनेशन ले आए अपने अंदर, कहीं किसी गलत व्यक्ति का संग कर लें, कहीं किसी गलत वस्तु का संग कर लें, कहीं कोई नियम को भंग कर लें, तो जब तक हम ऐसा कोई अपराध वाला कार्य नहीं करेंगे या किसी वैष्णव के प्रति अपराध न कर लें, तब तक हम स्टेबली भक्ति को चला सकते हैं। लेकिन स्टेबली चलाने के लिए हमें इनिशियल लेवल पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने, अगर मुझे पता नहीं, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है कोई? नहीं, इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं। उसमें हर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, वो ग्राफ ऐसा होता है, ऐसे जाता है ऊपर और फिर ऐसे स्मूथ होकर नीचे आता है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसे समझाया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको मार्केट में पॉपुलर होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर वो पीक पे जाता है एक टाइम में, फिर पीक से उसका फॉल डाउन होना शुरू होता है। ऐसी भक्ति के साथ भी होता है। तो इनिशियल जो स्ट्रगल है वो ऊपर तक जाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे आपको पहाड़ पर साइकिल को लेके जाना है तो कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा पहाड़ पर साइकिल को चढ़ाने के लिए, लेकिन एक बार साइकिल पहाड़ पर चढ़ गई फिर तो आप स्मूथली चला सकते हो जब तक वहां पर प्लेन है, और अगर नीचे भी आना है तो भी बड़ा स्मूथ हो जाएगा नीचे आना, लेकिन चढ़ाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक बार स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए हमें सारे नियम, सारे चीजों का पालन करना पड़ेगा, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसको स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ेगा, तो हम एक बार उस लेवल पर पहुंचेंगे जहां पर हम स्थिर हो गए भक्ति में थोड़ा। इसके मतलब कि अब हमें वो सारे नियम पालन करने में, माला करने में कोई असुविधा नहीं हो रही, असुविधा फील नहीं हो रही। नहीं तो अभी तो यही लेवल है कि 16 माला भी टफ दिखाई देती है, अपने सारे व्रत या अपने सारा कुछ भी पालन करने से मैसेज आ जाए कि कल तो 12 बजे तक फास्टिंग है, फलाने फलाने महाराज का आविर्भाव दिवस। अच्छा, कल भी 12 बजे तक फास्टिंग रखनी पड़ेगी? चलो अब रखनी तो है, कोई बात नहीं, ठीक है 12 बजे तक प्रसाद रेडी कर लेना, 12 बजे प्रसाद खा लेंगे। अभी तो मन में यह आ रहा है, हमने हमारे मन में ये नहीं आता कि देखो कल किसी वैष्णव का आविर्भाव दिवस है तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनके बारे में अच्छा अच्छा पढ़े, उनके बारे में कुछ भजन गाए, कुछ उनके विषय में चर्चा करें, जिससे कि हम उनको सच में श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। जब हम किसी के गुणों का बखान करते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। कितनी बार यहाँ बैठे भक्तों ने, हम में से किसी ने, मैं इंक्लूडिंग मी, हमने ऐसा किया है कि किसी बड़े संत का या आचार्य का आविर्भाव या तिरुभाव है और हमने स्पेशली उनके बारे में सर्च किया गूगल पे, उनके बारे में पढ़ा या उनके बारे में कुछ वर्णन करने का या गुणगान करने का प्रयास किया घर में बैठ के भी, किया कभी किसी भक्ति ने? जिस दिन उनका अभिप्राय होता है उस दिन कहता हूँ मैं, अगर हम ऐसा करेंगे, इस एक्टिविटी को अगर हम इन्वॉल्व करते हैं, कितना देर लगेगी हमें? 15 मिनट हार्डली। कहीं गूगल पे टाइप करना है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जीवनी, वह उनके बारे में पढ़ लेना है उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया। आजकल तो भक्त इतना कन्वीनियंट बना दिया एनवायरमेंट को कि सब कुछ व्हाट्सएप पे आ जाता है, उनके बारे में सारा कुछ डिस्क्रिप्शन आ जाता है, तो बैठ के पढ़ लेना है, एक बार बोल लेना है, उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपके जीवन में उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया आपको पता चलेगा, दूसरा आप जब प्रीचिंग करने के लिए जाओगे तो आपके पास ऑलरेडी रेडी मटेरियल है जब आपने पढ़ा हुआ है उनके बारे में। तो जब किसी को ग्लोरीफाई करोगे, किसी आचार्य को ग्लोरीफाई करोगे, तो उनके गुण जो है वो आपके अंदर प्रकट होने लगेंगे, बट वो एफर्ट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम रील्स देख लेंगे, यूट्यूब के वीडियोस देख लेंगे, कोई और लेक्चर सुन लेंगे, कुछ कर लेंगे, नहीं तो अपना ऑफिस का काम या अपने घर का काम या अपने बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हमारे सर पर रखी हुई हैं, वो हमारे लिए प्रायोरिटी का काम बन जाता है। इसको हम प्रायोरिटाइज नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते।
जिस दिन हम उसको सीरियसली लेने लगेंगे उस दिन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल लाइन पे आ जाएगी, पटरी पे चलने लगेगी। तो आप ये करके देखोगे तो डिफरेंस पता चलेगा, अगर नहीं करके देखोगे तो फिर नहीं पता चलेगा, वो ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। ऐसे ही हम काम चलाते रहेंगे, 4 साल से काम चला रहे हैं और 40 साल तक ऐसे काम चलाते रहेंगे। सिंसियरिटी सीरियसनेस नहीं आएगी। ठीक है, क्या टॉपिक कहीं और चला गया? तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ध्रुव महाराज की। तो ध्रुव महाराज को वन में जाकर इतनी दृढ़ता से भगवान की भगवत प्राप्ति की इच्छा से नारद मुनि दूर बैठे इंप्रेस हो गए और नारद मुनि ने सोचा कि ऐसे व्यक्ति से जाकर मैं अवश्य मिलूंगा। तो अब नारद मुनि जाकर क्या बोल रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ध्रुव के सम्मुख प्रकट होकर नारद मुनि ने अपने शुभ हस्तों से उसके सिर पर स्पर्श किया और कहा, क्षत्रियों की यह वृत्ति कितनी अद्भुत है, अपने सम्मान पर हुए हल्के से वार को भी वह सहन नहीं कर सकते। अभी ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि तुम तो क्षत्रिय हो, देखो क्षत्रियों का कैसा लक्षण है कि तुम्हें थोड़ा सा कड़वे वचन बोलेगा तो तुम कितना गुस्सा हो गए, लेकिन गुस्से में आकर भी तुमने सही डिसीजन लिया और भगवान के डायरेक्शन में जा रहे हो। बट अभी ये बात बोलेंगे नहीं, अंदर से तो ये बात जानते हैं कि ध्रुव महाराज सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी चेक करेंगे, क्योंकि अब कोई शिष्य गुरु को अप्रोच करता है या गुरु शिष्य से मिलता है तो ऐसे ही ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, ना शिष्य को गुरु के ऊपर, ना शिष्य को किसी, ना गुरु को भी किसी शिष्य को ऐसे ही अपना लेना चाहिए, उसको टेस्ट करना चाहिए। तो इसी प्रकार से नारद मुनि यहाँ टेस्ट करेंगे ध्रुव महाराज को कि ये सही में तरल है या कुछ में बहलाऊंगा फुसलाऊंगा तो फिसल जाएगा। तो देखो क्या कह रहे हैं, प्रिय ध्रुव अभी तो तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, चूंकि बच्चों के सम्मान अपमान का क्योंकि बच्चों को सम्मान अपमान का अधिक ज्ञान नहीं होता, तुम अपनी सौतेली माँ के कठोर शब्द द्वारा इतने अपमानित क्यों अनुभव कर रहे हो? कि बच्चों का क्या अपमान, बच्चों का थोड़ी ना अपमान सम्मान होता है, तुम्हारी मम्मी ने कुछ कह भी दिया तो तुम इतना क्यों अपमान फील कर रहे हो? बस चाहे उसने तुम्हारा अपमान भी क्यों ना किया हो फिर भी तुम्हें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। इस संसार में अपने पराये का यह द्वंद भगवान की माया शक्ति का एक ही रूप है। हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है और इसलिए हम उसे भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। जो भी हो रहा है वो तो भगवान की इच्छा से हो रहा है और हमारे प्रारब्धों की वजह से हो रहा है। तुमने कुछ ऐसा किया होगा पुराने जन्म में कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें कुछ उल्टा सीधा सुनाए तो सुना दिया, तो इतना क्या तुम गुस्सा हो रहे हो? अपनी माता के निर्देशानुसार तुमने भगवान की कृपा प्राप्त करने हेतु योग पद्धति का पालन करने का निश्चय किया है, परंतु मेरे मतानुसार सामान्य पुरुषों के लिए भी यह पद्धति सरल नहीं है, फिर एक बालक के लिए तो कहना ही क्या। तब सचेत करें कि तुमने जो मार्ग चुना है योग से भगवान को प्राप्त करने का, वो कोई आसान मार्ग नहीं है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी इस मार्ग पर बहुत अधिक समय तक चल नहीं पाए, तो बच्चे के लिए तो बहुत मुश्किल मार्ग है। इसको प्राप्त करना, इसके द्वारा भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है, इसलिए मेरा कहना मानो, अभी तुम घर लौट जाओ, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम चाहो तो ध्यान योग की इस पद्धति को सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हो। तो कह रहे अभी तो बच्चे हो, अभी नहीं कर पाओगे, मेरी सलाह मानो और घर चले जाओ। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ध्रुव महाराज कितने दृढ़ निश्चयी हैं, इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि मेरे बहलाने से, मेरे बताने से क्या ये घर वापस चले जाते हैं या ये निश्चय ही है कि नहीं मुझे आप भगवान से मिलना ही मिलना है, भगवान से पूछना ही है, मुझे जो मैंने निश्चय किया है उसको प्राप्त करना ही है। तो उनका डिसीजन को चेक करना चाहते हैं यहाँ पर नारद मुनि। ध्रुव व्यक्ति के जीवन में जो भी दुख सुख आए उससे उनमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए, केवल इतना ही करने से वह अज्ञानता के अंधकार को सरलता से पार कर सकता है। यहाँ पे समझा रहे हैं कि कोई भी दुख या सुख आता है तो उसको सरलता से सह लेना चाहिए। उसको सहने से क्या होगा? अज्ञानता के अंधकार से व्यक्ति दूर हो सकता है। तो ना सुख में बहुत अधिक खुश होना है और ना दुख में बहुत ज्यादा अधिक दुखी होना है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सिचुएशन है उससे हमें बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई, प्रमोशन मिल गया, अचीवमेंट मिल गया तो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होना है, और अगर कुछ परेशानी है, कुछ दुख है जीवन में, तो उससे बहुत अधिक दुखी नहीं होना है। एक शांत मन के व्यक्ति का या एक आध्यात्म में स्थित व्यक्ति की पहचान होती है कि वो सुख दुख में संभाव रहता है। भगवान भी भगवद गीता में ऐसे बताते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही रहने का प्रयास करना चाहिए कि जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज है,
चाहे वो सुख की हो या दुख की हो, वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट न डाले। घर में शादी है, घर में किसी रिश्तेदार की मैरिज है, तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत शॉपिंग करेंगे, बहुत उछल के तैयारी करेंगे। और घर में कोई बीमार है तो बस ऐसे पड़ जाए, या अपने शरीर में कोई बीमारी है तो बस कोई सेवा नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा, सारा एंथुसियाज्म मोरल सब लूज कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुख है तो भी न्यूट्रल रहना है, सुख है तो भी न्यूट्रल रहना है। बहुत अत्यधिक उत्साहित नहीं होना, बहुत अत्यधिक निराश नहीं होना चाहिए दुख और सुख में, क्योंकि भगवान बताते हैं तो गर्मी और सर्दी की तरह है, जैसे गर्मी आती है और चली जाती है, फिर सर्दी आती है, उसके बाद फिर से गर्मी आती है, उसी प्रकार से दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा। तो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये तो हमारे जीवन का पार्ट है। नारद मुनि वहां भगवान की इच्छा से आए थे, उनका उद्देश्य था ध्रुव को दीक्षा देना, परंतु उससे पहले नारद मुनि अपने शिष्य के अटल निश्चय तथा खरेपन की परीक्षा लेना चाहते थे। गुरु का यही कर्तव्य है, गुरु का यही कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य की स्थिरता को या अटल निश्चय को परखना चाहता है, तभी वो हेल्प करता है। सभी के उपदेशों को सुनकर ध्रुव ने कहा, अब तक तो नारद मुनि बोल रहे थे, तो अब ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, हे महामुनि, निश्चित ही आपके उपदेश भौतिक जीवन में व्यथित लोगों के लिए हितकारी हैं। उनके पालन द्वारा वे मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मैं पूरी तरह से अज्ञानता में डूबा हुआ हूँ और इसलिए आपके ये उपदेश मेरे हृदय तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके उपदेशों को ना मानना दृढ़ता है, दृष्टता है, परंतु चूंकि मेरा जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ है, मैं इसे अपना दोष नहीं मानता। तो क्योंकि मैं क्षत्रिय परिवार में जन्मा हूं और अभी अज्ञानता में डूबा हुआ हूं क्रोध के कारण, तो मैं आपके द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को समझ नहीं पा रहा। बेसिकली ये कह रहे हैं प्यार से ध्रुव महाराज कि अगर जो मैंने निश्चय किया है भगवत प्राप्ति का, अगर आप मुझे उसमें हेल्प कर सकते हो तो इतना ज्ञान बांटो, अगर आप मुझे हेल्प नहीं कर सकते तो मुझे घर जाने की सलाह मत दो, क्योंकि मैं अपने निश्चय में अटल हूँ कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी ही करनी है, चाहे उसका पर्पस कुछ भी हो, लेकिन अब मैं इस रास्ते से हिलना नहीं चाहता हूँ। अगर उस रास्ते को या उस ऑब्जेक्टिव को, उस टारगेट को अचीव करने में अगर आप मुझे हेल्प कर सकते हो तो कोई रास्ता बताओ, अदरवाइज आप मुझे परेशान मत करो। मेरा चित्त एक मिट्टी के घड़े जैसा है, एक बार टूटने पर उसे किसी भी रीति द्वारा पुनः जोड़ा नहीं जा सकता। अपने विमाता के तीक्ष्ण बाण जैसे शब्दों से मेरा हृदय छन्नी हो गया है। अभी मेरे मन में उसका प्रतिशोध लेने के अतिरिक्त अन्य कोई विचार नहीं ठहर रहा है, इसलिए मैं आपके सदुपदेशों का लाभ नहीं ले सकता। ये उपदेश ब्राह्मण व्यक्ति के लिए हितकारी है। तो बोले अभी तो मेरे अंदर बदला लेने की भाव, तो क्या बोल रहे, अपना हृदय खोल कर रख दिया अपने गुरु के सामने कि देखो अभी आप जो बोल रहे हो सारी अच्छी बातें हैं, कोई ब्राह्मण व्यक्ति होगा या सत्वगुणी व्यक्ति होगा उसके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं सारी और वो शांति को प्राप्त करेगा, लेकिन मेरी सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है। मेरी सिचुएशन क्या है, मैं तो अभी बदला लेना चाहता हूँ उनसे, क्योंकि मैं गंदी बातें, गलत बातें, कड़वी बातें सुन के आया हूँ, उन बातों को सुन के मेरा जो हृदय वो अभी स्थिर नहीं है, इसलिए मुझे ये सब आपकी जो बातें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं अभी इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो जब हम एक गुरु के पास जाते हैं या किसी अथॉरिटी के पास जाते हैं तो हृदय खोल कर रखना चाहिए कि मेरे साथ अभी ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ या मेरे साथ ऐसा चल रहा है, तब तो हमें कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर हमने हृदय को खोला नहीं, अपने अंदर छुपा के बैठे हैं, बोल कुछ और रहे हैं और हृदय में कोई और बात है, तो फिर उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि जो भी हमें हेल्प करना चाह रहा है वो कोई इतने आध्यात्मिक लेवल पे उन्नत नहीं है कि वो अंतर्यामी है हमारे आजकल के बाबाओं की तरह कि आपके मन की बात पढ़ ले और पर्चे पे लिख के बता रहे हैं आपको कि क्या आपके मन में चल रहा है। तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आपके मन में क्या है, तो ही उसका सलूशन मिल सकता है, अदरवाइज तो उसका सलूशन नहीं मिल सकता। तो ध्रुव महाराज एक तरह से यहाँ पर ये बता रहे कि मेरी सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है कि मैं आपके इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर सकूं, तो इस सिचुएशन को फेवरेबल करके मैं अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकता हूँ, उसको अचीव करने में मुझे हेल्प करो। मेरा एक ऐसा, मैं एक ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ जिसे इस संसार में आज तक किसी ने प्राप्त न किया हो, मेरे पिता, दादा अथवा परदादा ने भी नहीं, इसलिए कृपया मुझे उसी पद का उपदेश दीजिए जिस पर चलकर मैं अपने कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। तो बोले मेरी सिचुएशन ऐसी है, मेरे हृदय में अभी ये चल रहा है, अब आप मुझे वो रास्ता बताओ जिससे कि मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकूं, तब हेल्प करेंगे ना। वो जानते हैं ध्रुव महाराज की नारद मुनि मोस्ट क्वालिफाइड व्यक्ति हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं, इतना आसान नहीं है भगवान को प्राप्त करना। तो अगर किसी गुरु की गाइडेंस मिल जाएगी तो मेरे लिए रास्ता
आसान हो जाएगा। तो इसलिए नारद मुनि को बोल रहे हैं कि अब आप मुझे बताओ कि मुझे इस सिचुएशन में जब मेरे हृदय में इतना कुछ चल रहा है तो मैं कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। हे नारद जी, आप सूर्य के समान सबका कल्याण करने के लिए सर्वत्र विचरण करते हैं, कृपया मुझ पर दया करके इस इच्छा पूर्ति में मेरी सहायता करें। अभी प्रार्थना कर रहे। ध्रुव के वचन सुनकर नारद मुनि का हृदय उसके प्रति करुणा से भर आया। उस पर दया दिखाते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी माता सुनीति ने तुम्हें भगवान नारायण की भक्ति करने का उपदेश दिया है, तुम्हारे लिए वही मार्ग सर्वथा उपयुक्त है। अभी तो कह रहे थे बच्चे के लिए ये सब चीजें नहीं होती, घर चले जाओ, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी इस मार्ग पर नहीं चल पाए तो तुम क्या चलोगे। आप बोल रहे सर्वथा उपयुक्त मार्ग यही है जो तुम्हारी माता ने बताया कि भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, उनकी भक्ति करो। और आप बताएंगे कैसे करो, तुम्हारे लिए वही मार्ग सर्वथा उपयुक्त है। यहाँ तक कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले लोगों को भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की उपासना समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। जिसके अंदर जो भी इच्छा है, चाहे मटेरियल है चाहे स्पिरिचुअल है, उसको पूरा करना सिर्फ भगवान के हाथ में, कोई और उसको पूरा नहीं कर सकता। तो भगवान के पास जाएंगे तो हमारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, चाहे मटेरियल इच्छा ही क्यों नहीं है तो भी हमें भगवान को ही अप्रोच करना चाहिए। बेसिक क्लास में बताया जाता है कि भगवान हमारे पिता के समान है, तो हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट हो हमें अपने पिता को ही बताना चाहिए। चाचा ताओ मौसा मौसी को बता के कोई फायदा नहीं होने वाला है, ना उन पर अप्रोच करना चाहिए, अपने पिता को बताना चाहिए, क्योंकि उनका हमसे संबंध है। तो हमारे लिए अच्छा है तो वो डेफिनेटली हमें हेल्प करेंगे, और हमारे लिए अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली हमें उससे बचा कर रखेंगे। तो पिता जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। किसी और को अप्रोच करेंगे तो वो हमारा अच्छा बुरा नहीं जानता, तो वो हमें दे भी देगा, हो सकता है हमारा अनिष्ट हो जाए, उससे कुछ खराबी हो जाए हमारे। तो इसलिए पिता के अलावा किसी और को अप्रोच नहीं करना चाहिए। हे वक्ष, तुम्हारा मंगल हो, तुम यमुना नदी के तट पर स्थित मधुवन में जाओ, वहां रहने मात्र से व्यक्ति भगवान के सानिध्य का अनुभव कर सकता है। प्रतिदिन 3 बार नदी में स्नान करो और अष्टांग योग के नियमों का पालन करते हुए तप करो, कुछ ही समय में अपनी प्राणवायु मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके तुम समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाओगे, और इस प्रकार तुम्हारा मन अविचल भाव से भगवान का चिंतन कर पाएगा। अभी तक मन किसका चिंतन कर रहा है, सूर्य जी की बातों का चिंतन कर रहा है कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ, मैं उनसे बदला लूंगा, मुझे अपने पिता और अपने परदादा से भी बड़ा राज्य चाहिए। अब क्या करें कि आप तुम अष्टांग योग की पहले तुम मधुबन जाओ, और वहां जाके तुम्हें ब्रज का एनवायरमेंट मिलेगा जो कि फेवरेबल एनवायरमेंट है भक्ति करने के लिए, और फिर जाके अष्टांग योग की पद्धति का अनुसरण करो। उससे जो तुम्हारे अंदर कड़वाहट है, जो भी अनर्थ है, वो क्लीन हो जाएंगे, और उसके बाद फिर तुम भगवान का चिंतन कर पाओगे। भगवान के भक्त निरंतर भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे तथा सौम्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, और भगवान भी अपने भक्तों को सब वरदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान का वह रूप नव यौवन से भरपूर तथा दोष रहित है, उनके नेत्र तथा होंठ उदित होते सूर्य के समान नलिनमय युक्त है, और वे अपनी शरण में आए जीवों को आश्रय देने के लिए आतुर रहते हैं। उनके चरण कमलों के नाखून रत्नों के समान जगमगाते हैं, वे सदैव शांत चित्त सौम्य तथा अनुद्रिक रहते हैं। इसका सुंदर स्वरूप मन तथा आंखों में को प्रमोदित करने वाला है। सच्चे योगी अपने हृदय रूपी कमल आसन पर खड़े भगवान के दिव्य रूप का अबार चिंतन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अति शीघ्र समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त होने के लिए निरंतर भगवान के इस सर्व मंगलकारी रूप पर ध्यान लगाए। तो क्योंकि ध्यान योग की पद्धति का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो आप ध्यान किस पे करेगा, बच्चा 5 साल के बच्चे को तो भगवान के विषय में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो भगवान का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि भगवान की फॉर्म कैसी है, और उस भगवान के जो सुंदर रूप है उसके ऊपर तुम्हें ध्यान लगाना है। उस पर ध्यान लगाकर तुम भगवान के अलावा किसी और चीज में नहीं जाओगे। हे पुत्र, तुम ध्यान के साथ साथ इस द्वादश अक्षरी ओम नमः भगवते वासुदेवाय का भी जप करना। जो व्यक्ति 7 दिनों तक ध्यान पूर्वक इस मंत्र का जप करता है, वह आकाश में उड़ रहे सिद्धों को देख सकता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को। तो मंत्र देने का मतलब क्या होता है, दीक्षा दे दी उनको कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करो, तो उससे तुम सिद्धों को भी देख पाओगे जो आकाश में उड़ रहे हैं। तो कोई कह सकता है कि आप तो कहते हो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, यहाँ तो नारद मुनि ओम नमः भगवते वासुदेवाय,
ये सतोगुण वो सॉरी सतयुग की चर्चा कर रहे हैं। सतयुग में ओम नमो भगवते वासुदेव का वासुदेवाय करना होता था, अभी कलयुग में ओम नमो भगवते वासुदेवाय उतना इफेक्ट नहीं करता जितना हरे कृष्ण महामंत्र इफेक्ट करता है। तो हमें कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कलयुग में काम नहीं करेगा, करेगा, लेकिन उसको लेने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, जो क्वालिफिकेशन कलयुग के लोगों के पास नहीं है। वो क्वालिफिकेशन प्राप्त करे और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे, वो ब्राह्मणों के लिए। अभी कौन ब्राह्मण है? न कर्म से ब्राह्मण है, न जन्म से ब्राह्मण है, ना ब्राह्मण के कार्य करते हैं। अब कोई कहे मैं तो शर्मा हूँ जी, मैं तो पंडित हूँ, मैं तो कर सकता हूँ जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नहीं शर्मा तो हो लेकिन क्या ब्राह्मण का कार्य करते हो? ब्राह्मण कोई मटेरियल एक्टिविटी नहीं करता, पठन पाठन यजन याजन बताया गया ब्राह्मणों के लिए। तो क्या हम सिर्फ शास्त्रों को पढ़ते हैं और उसकी नॉलेज शेयर करते हैं और उसी के बेसिस पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कुछ और नहीं करते? नहीं, ऐसा कोई शर्मा या कोई ब्राह्मण ऐसे नहीं मिलेंगे जो सिर्फ इसी के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। तो हम ब्राह्मणों के कैटर से नीचे आ चुके हैं, क्योंकि इसलिए मंत्र भी हमें उस लेवल का करना पड़ेगा जो हमें प्रेजेंट सिचुएशन से ऊपर लेकर जा सकता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र में कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे चेतना में डिफेक्ट है। उस डिफेक्टेड चेतना से हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करेंगे तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए अभी प्रेजेंट चेतना में हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करके हरे कृष्ण महामंत्र भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हमें गोलोक धाम तक लेकर जा सकता है, ऑब्जेक्टिव हमारा प्राप्त करा सकता है। तो फिर हम और आचार्य ने भी ऐसे रिकमेंडेशन दिया, तो फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। अपनी मर्जी से कोई भी मंत्र ले लेने से वो मंत्र निष्फल हो जाता है। गुरु के द्वारा ही कोई मंत्र दिया जाता है, प्रमाणिक गुरु के द्वारा, और फिर हम जब उसी चेतना से उसका जप करते हैं तब वो पूर्ण रूप से फलित होता है। तो हम जिस गुरु परंपरा में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस गुरु परंपरा में हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया जाता है, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का चयन करते हैं। लेकिन हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कीर्तन कर सकते हैं, गा सकते हैं, चैंटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा सपोज हमें अगर हम चार राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, एक्स्ट्रा राउंड जप करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कर सकते हो, अगर हमें कहीं ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं मुझे ये मंत्र भी जप करना है। अदरवाइज हरे कृष्ण महामंत्र में, क्योंकि ये महामंत्र है तो सारे मंत्रों का फल इसी मंत्र में निहित है। जैसे बोला जाता है कि कलयुग में कोई भी और पास करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप एकादशी पास करते हो तो, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो होली दिवाली सोमवार बृहस्पतिवार कोई भी व्रत है, उस सबका फल आपको मिल जाएगा अगर आप एकादशी का पास करते हो। तो एकादशी का पास जो लोग रखते हैं उन्हें कोई और पास रखने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है उसे कोई और मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं होती, उस मंत्र का फल भी हरे कृष्ण महामंत्र जपने से ही पूर्ण रूप से मिल जाता है। तुम भगवान की एक मूर्ति बनाओ और इस मंत्र का जप करते हुए तथा शास्त्रों के नियमानुसार समय स्थान एवं उपलब्ध सुविधाओं तथा असुविधाओं का विचार रखकर उनकी पूजा करो। तुम शुद्ध जल तथा सहजता से प्राप्त होने वाले फल फूलों तथा सब्जियों का उन्हें भोग लगाना और यदि संभव हो तो उन्हें तुलसी चढ़ाना, क्योंकि तुलसी उन्हें अत्यंत प्रिय है। उपलब्ध होने पर तुम उन्हें कोमल घास फूलों की कलियां तथा वृक्षों की छाल भी अर्पित कर सकते हो। वन में रहते हुए हर व्यक्ति बालू और पानी से मिलाकर मूर्ति का निर्माण करके उपयुक्त विधि द्वारा उनकी आराधना कर सकता है, और यदि यह भी संभव नहीं है तो वह अपने मन में उनकी पूजा कर सकता है। तो क्या बता रहे हैं? जो सभी आचार्य बताते हैं कि भगवान का एक आचार्य विग्रह या फोटो रखकर भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान की किसी ना किसी प्रकार से सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पर भी देखो, नारद मुनि बड़े प्रैक्टिकल वे में उनको बता रहे हैं कि जो जो चीजें अवेलेबल है उससे ही पूजा करो। ऐसा नहीं है कि आज तो फूल ही नहीं मिले मुझे बाजार से, मैं कल लाना भूल गया तो मैं तो भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा, आज तो फूल ही नहीं चढ़ाने के लिए, नहीं है तो तुलसी दल चढ़ा लो, कुछ और चढ़ा लो, जो अवेलेबल है उसे चढ़ाओ, क्योंकि सब तो भगवान की प्रकृति से ही प्रकट हुआ है। तो जो भी अवेलेबल है उसके साथ भगवान की सेवा कर सकते हो। इम्पोर्टेंट है भगवान की सेवा करने का भाव, ना कि मेरे पास क्या 36 चीजें भगवान को चढ़ाने के लिए या भगवान की सेवा करने के लिए। तो भाव इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में कह रहे हैं, अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो मानसिक सेवा कर लो, लेकिन भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को एंगेज करो। ये उपदेश सुनकर हे ध्रुव, आज से विग्रह की आराधना तथा इस मंत्र का जप करने के अतिरिक्त तुम भगवान की उन दिव्य लीलाओं का चिंतन भी करना जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों में करते हैं। जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक सच्चे हृदय से अपने मन वचन तथा शरीर को भगवान की भक्ति में नियुक्त करता है, वह निश्चित ही भगवान की कृपा प्राप्त करके मन वांछित फल
आता है। तो भगवान की सेवा करके कोई भी मन वांछित फल की प्राप्ति कर सकता है। ये बात क्यों बोले नारद मुनि, क्योंकि ध्रुव महाराज जो है वो कुछ इच्छा लेकर आए हैं मन में, और उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए वो भगवान की आराधना करना चाहते हैं, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो उनको बता रहे कि जो भी भगवान की भक्ति करता है उसकी सारी इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं। ये उपदेश सुनकर ध्रुव ने अपने गुरुदेव नारद मुनि की प्रतिष्ठा की और उन्हें प्रणाम किया। वहां से वे वधवन की ओर चल पड़े और सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के पदचिन्हों जो सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के पदचिन्हों से सुशोभित रहता है। तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन लेकर मधुबन की ओर चल पड़े तपस्या करने के। तो मधुबन में जाकर क्या होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी टाइम हो गया है तो हम प्रसाद लेंगे फटाफट और फिर